मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या ये देश के लिए सही है? मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूँ, क्या आप नहीं मानते कि ये भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है? क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो? क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? ये आरएसएस वाले कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, आरएसएस वाले कहते हैं हम देशभक्त हैं। आज मैं पूरे सम्मान के साथ, आरएसएस के प्रमुख हैं श्री मोहन भागवत जी, मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं और आपका समर्थन चाहता हूं। अगर मैं कोई गलत प्रश्न पूछूं तो बता देना और सही प्रश्न पूछूं तो मैं आपसे हाथ खड़ा करवा के पूछूंगा। मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवत जी से, जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देके या ईडी और सीबीआई की धमकी देके डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या ये देश के लिए सही है? मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं मानते कि ये भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी? मेरा दूसरा प्रश्न है उनसे, देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी ने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला, जिन नेताओं को अमित शाह जी ने खुद भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको बीजेपी में शामिल करा लिया। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो? क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मेरा तीसरा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है कि नहीं है? कहा जाता है ये देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथ भ्रष्ट ना हो। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से ये सब ना करने के लिए बोला? मोहन भागवत जी बताएं कि क्या आपने मोदी जी को ये सब गलत हरकतें करने से रोका कभी? पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? मेरा चौथा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि आज मां को आंखें दिखाने लग गया? जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, जिस बेटे को प्रधानमंत्री बनाया, आज वो बेटा पलट के मां को अपनी आंखें दिखा रहा है। मातृतुल्य संस्था आरएसएस, आज वो बेटा अपनी मातृतुल्य संस्था को आंखें दिखा रहा है। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने ये कहा तो आपके दिल पे क्या गुजरी, आप जरा बताइए इस देश को, क्या आपको दुख नहीं हुआ? मैं आरएसएस के हर कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, क्या आरएसएस के हर कार्यकर्ता को दुख नहीं हुआ? मेरा पांचवां प्रश्न,
मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहता हूँ, आप ही लोगों ने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल के होने पे कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा। इस कानून के तहत आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जी जैसे बड़े बड़े नेताओं को रिटायर कर दिया, बीसी खंडूरी जी को रिटायर कर दिया, कलराज मिश्र को रिटायर कर दिया, शांता कुमार को और पता नहीं कितने लोगों को रिटायर कर दिया। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा। तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? आप ये पूछना चाहते हैं कि नहीं पूछना चाहते? पूरा देश आज मोहन भागवत जी से ये प्रश्न पूछना चाहता है।